जय माता दी। मैं आचार्य धनंजय कुमार पांडे नक्षत्र ज्योतिष केंद्र से आप सबके बीच कुछ सुगम उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम आज से लेकर के दसवीं तक की तिथियों का क्या चाल है बताऊंगा मैं। आज सप्तमी तिथि है, पहला और लास्ट व्रत रखने वाले लोगों के लिए कल अष्टमी का व्रत है, उनका पारण 14 को सुबह 8 बजे के बाद नवमी में होगा। जो 9 दिन का व्रत रखते हैं उनका पारण 15 तारीख को सुबह 8 बजे के बाद होगा। इस नवरात्रि में कुछ विशेष उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपको विशेष लाभ मिल सकते हैं। पहला उपाय है कि जिस घरों में असाध्य रोगी रहते हैं या असाध्य रोगी हैं जिनका बड़े तौर पे इलाज चल रहा है फिर भी उनको आराम नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों के लिए दसवीं के दिन से लगातार 21 दिन तक किसी कांसे के पात्र में 21 पत्ता तुलसी का गंगाजल के साथ लेकर के और उसे हथेली में ले लें और हनुमान चालीसा का एक दोहा है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस दोहा को कंटिन्यू 11 बार 21 बार पढ़ें और इस अंगुली से बराबर उसे घुमाते रहें पात्र के अंदर। 21 दोहा पूरा होने के बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। ये उपाय लगातार 21 दिन किया जाता है यदि तो आप शीघ्रता से स्वस्थ होंगे, दवाइयाँ विशेष रूप से आपके ऊपर काम करेंगी, आपको आरोग्यता निकट दिखाई देने लगेगा। दूसरा उपाय, जो व्यवसायी या नौकरी पेशा वाले लोग या कोई भी व्यक्ति यदि ऋण के चपेट में आ गया है, ऋण भार से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो उनके लिए एक विशेष उपाय है। वो अष्टमी या नवमी के दिन एक पानी युक्त नारियल लेके आएं, उसे लाल कपड़े में लपेट लें, अपने पूजा वाले स्थान पर माता जी का प्रणाम करके रख दें। दसवीं के दिन उस नारियल के साथ 1 रुपये का सिक्का ले लें, कुछ फल ले लें या यथाशक्ति पैसा हो सके उसको लेकर के माता जी के मंदिर में जाएं, मंदिर में नारियल पैसा और फल चढ़ा दें, अर्पित कर दें माता जी के चरणों में। वहाँ फल और पैसा मंदिर में ही छोड़ दें, वहाँ से नारियल को उठाएं, लक्ष्मी जी का और के स्वरूप में माता जी का स्मरण करें और उस नारियल को बहते हुए पानी में प्रवाह कर दें। यह उपाय करने से शीघ्रताशीघ्र ऋण से मुक्ति मिलने के मार्ग मिलेंगे, रास्ते मिलेंगे, कोई ना कोई उसके लिए रास्ता निकल जाएगा। तीसरा उपाय है, जिन बहनों को केवल बेटियां ही हैं, पुत्र नहीं हो रहे हैं या किसी छोटे मोटे बीमारी के कारण गर्भधारण करने में परेशानियां हो रही हैं, उनके लिए बहुत ही सुगम और उत्तम उपाय बताता हूं मैं। दशहरा के दिन, दसवीं के दिन 42 दाना पुत्र जीवा का बीज मंगाएं। पुत्र जीवा का एक बीज आता है जो पंसारी के किसी भी दुकान पर सुगमता से उपलब्ध हो जाता है, उस बीज को ला करके साफ धो लें। दसवीं के दिन जो आपके घर में कलश स्थापित हुआ है या आपके घर नहीं अड़ोस पड़ोस या किसी के भी कलश की स्थापना हुई है, उस कलश के अंदर का जल मांग के लाएं, किसी कांसे या फूल के कटोरे में या किसी गिलास में उस जल को रख करके उसमें 42 दाना पुत्र जीवा का बीज डाल दें। अगले एकादशी के दिन से सुबह स्नान के बाद उसमें से 2 दाना निकालें, उसे तोड़कर उसके अंदर का जो ऊपर का खोल हटा करके अंदर के बीज को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। ग्रहण करने के बाद आप उसे लगातार रोज 2-2 दाने 21 दिन तक खाएं। यह है कि रोज़ ग्रहण करने के बाद सुबह या शाम किसी भी एक टाइम भगवान शिव का दर्शन पार्वती जी के साथ अवश्य करें। सामदा शिवाय का दर्शन करने से शीघ्रताशीघ्र पुत्र की इच्छा पूर्ति होगी, गर्भ धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, वह पुत्र जीवा के प्रसाद रूप में ग्रहण करने से गर्भाशय मजबूत होगा, वह रजस्वला में कोई दिक्कत है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी।
तो तीसरा बात, इस नवरात्रि में तीन विशेष राशियों पे ग्रहों का कुप्रकोप है। जैसे धनु राशि के लोगों को जो विवाहित हैं उनके पत्नियों को शारीरिक कष्ट होगा, कार्यशैली में उतार चढ़ाव की समस्याएं पैदा होगी, उदर संबंधी रोग पैदा होंगे। ऐसे जातक के लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन आप बेसन का हलवा बनाएं और उस हलवे को सर्वप्रथम गाय को खिलाएं थोड़ा सा, उसे दो चार या पाँच अपने घर से बाहर किसी को भी प्रसाद रूप में अर्पित करें। यह करने से शीघ्रता शीघ्र नौकरी व्यवसाय की दिक्कतें दूर होगी, आरोग्यता से लाभ मिलेगा। उसके साथ ही आप प्रत्येक शनिवार के दिन सरसों का तेल अपने सर से क्लॉकवाइज दाहिने से बाएं घुमा लें और उसे किसी अक मदार के जड़ में, मदार और एक ही वृक्ष का नाम है, उसके जड़ में यदि आप अर्पित करते हैं उस तो आपके साथ इस ग्रहों का प्रकोप कम हो जाएगा और शीघ्रता शीघ्र आपके सभी कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। दूसरी राशि है कुंभ। कुंभ राशि के लोगों को खासकर पारिवारिक तनाव बढ़ेगा, शत्रुओं का प्रकोप बढ़ेगा, जमीनी विवाद बढ़ेंगे, हड्डी और जोड़ों के दर्द से परेशानी बढ़ेगी। इससे मुक्ति पाने के लिए आप प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को शरीर के बराबर हरा और पीला दो रंग के धागे लें, धागे को अपने शरीर से नाप लें और उसे किसी पीपल के वृक्ष के टहनी में बांध कर आया करें प्रत्येक शनिवार और मंगलवार। यदि यह 11 शनिवार 11 मंगलवार ऐसा लगातार करते हैं तो शीघ्रता शीघ्र आपको रोग मुक्ति मिलेगा, मुकदमे से छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं में मैत्री भाव उत्पन्न होगी। तीसरी राशि है मीन। मीन राशि वालों के लिए यह अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में 27 दिसंबर तक ये ढाई महीने काफ़ी प्रभावी रहेंगे। इसमें नज़दीकी लोगों से शत्रुता बढ़ेगी, नज़दीकी लोगों में बिना मतलब के मानसिक उद्विग्नता पैदा होगी जिससे आपसी संबंध खराब होंगे। किसी से संभल के बोलें, चलते हुए बच के रहें, कमर से नीचे की चोट लगने की विशेष संभावनाएं रहेंगी। आप इस बीच में रक्तदान करें या रक्त किसी जांच के बहाने ही शरीर से निकलवा लें, इससे चोट चपाट लगने की संभावनाएं, ऑपरेशन होने की संभावनाओं में काफ़ी आपको सुधार होगा, काफ़ी बचाव होगा। ये तीनों उपाय यदि आप करते हैं तो इन तीन राशि वालों के लिए राम बाण साबित होगा। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं, पुनः उपस्थित होंगे किसी और राशियों को लेकर। नमस्कार।